नंबर वन। फ्रेंड्स, आज सैटरडे है, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ बॉलीवुड। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हाल ही में कौन सा मूवी रिलीज हुआ है, उस मूवी का कलेक्शन एंड साथ ही साथ अभी तक कौन सा मूवी कलेक्शन कर रहे हैं, उस मूवी का फुल कलेक्शन एंड कौन सा मूवी हिट है एंड कौन सा मूवी फ्लॉप। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स गो। फ्रेंड्स, 31st जनवरी 2020 में रिलीज हुआ डायरेक्टर नितिन कक्कर एंड लीड रोल सैफ अली खान तब्बू एंड आलिया फर्नीचर वाला का मूवी जवानी जाने मन मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में कमजोर कलेक्शन किया है। ओपनिंग डे के बाद मूवी कलेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में एंड फर्स्ट वीक तक ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया था। बट फर्स्ट वीक के बाद मूवी कलेक्शन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हुआ है सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक में, जहां पर इस वीक में मूवी ने थोड़ा सा ही कलेक्शन किया है। जवानी जाने मन मूवी ने इस वीक में यानी फोर्थ वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 57 लाख, जहां पर कल यानी 29th डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है जस्ट 3 लाख, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 28.79 करोड़। जो मूवी का बजट 40 करोड़ को देखते हुए फ्लॉप कलेक्शन है, तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। फ्रेंड्स, 24th जनवरी 2020 में रिलीज हुआ डायरेक्टर रेमो डिसूजा एंड लीड रोल वरुण धवन, श्रद्धा कपूर एंड प्रभु देवा का मूवी स्टेट डांसर 3D मूवी कलेक्शन ओपनिंग डे में अच्छा हुआ था, जहां पर ओपनिंग डे के बाद मूवी कलेक्शन और भी अच्छा होते हुए मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में भी अच्छा कलेक्शन किया था। लेकिन फर्स्ट वीकेंड के बाद मूवी कलेक्शन डिक्रीज होते हुए मूवी ने फर्स्ट वीक तक नॉर्मल कलेक्शन कर लिया था, जहां पर फर्स्ट वीक के बाद मूवी कलेक्शन डिक्रीज हुआ था सेकेंड वीक में एंड थर्ड वीक में एंड फोर्थ वीक में तो और भी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। और इस वीक में मूवी ने थोड़ा सा ही कलेक्शन किया है, मूवी ने इस वीक में यानी फिफ्थ वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 11 लाख, जहां पर कल यानी 36th डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है जस्ट 1 लाख, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 75 करोड़। जो मूवी का बजट 80 करोड़ को देखते हुए बिलो एवरेज कलेक्शन है, जहां पर इस मूवी के साथ ही रिलीज हुआ डायरेक्टर अश्वनी अय्यर तिवारी एंड लीड रोल कंगना रनावत का मूवी पंगा मूवी ने फर्स्ट डे से लेकर फर्स्ट वीकेंड फोर्थ वीक तक एवरेज कलेक्शन किया है। और जहां पर इस वीक में यानी फिफ्थ वीक में मूवी ने स्टेट डांसर 3D मूवी से थोड़ा सा अच्छा कलेक्शन किया है, मूवी ने इस वीक में यानी फिफ्थ वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 12 लाख, जहां पर कल यानी 36th डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है जस्ट 1 लाख, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 28.93 करोड़। जो मूवी का बजट 25 करोड़ को देखते हुए अबव एवरेज कलेक्शन है, तो फ्रेंड्स इस दोनों मूवी का कलेक्शन एक बड़ी टाइट होते हैं, तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। फ्रेंड्स, 14th फरवरी 2020 में रिलीज हुआ डायरेक्टर इम्तियाज अली एंड लीड रोल कार्तिक आर्यन एंड सारा अली खान का मूवी लव आजकल मूवी ने ओपनिंग डे में अच्छा कलेक्शन किया था। बट ओपनिंग डे के बाद लगभग सभी मूवी कलेक्शन और भी इंक्रीज होता है, लेकिन इस मूवी कलेक्शन डिक्रीज हुआ था सेकेंड डे एंड थर्ड डे में भी, जिसके चलते मूवी का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन था 28.51 करोड़, जो फिर भी ठीक ठाक कलेक्शन था। फर्स्ट वीकेंड के बाद मूवी कलेक्शन और भी ज्यादा डिक्रीज होते हुए मूवी ने फर्स्ट वीक में कलेक्शन किया था जस्ट 35.86 करोड़। एंड मूवी ने इस वीक में यानी सेकेंड वीक में बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है, मूवी ने सेकेंड वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 2.20 करोड़, जहां पर कल यानी 15th डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है जस्ट 5 लाख, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 38.11 करोड़। जो मूवी का बजट 50 करोड़ को देखते हुए फ्लॉप कलेक्शन है, जहां पर फ्रेंड्स इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताए तो मूवी ने अब तक टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया है 54 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी कमजोर कलेक्शन है, तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन।
Friends, 10th January 2020 में रिलीज हुआ डायरेक्टर ओम रावत एंड लीड रोल अजय देवगन साई पल्ली खान एंड काजोल का मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी ने ओपनिंग डे से ही अच्छा कलेक्शन किया था, जहां पर ओपनिंग डे के बाद मूवी कलेक्शन और भी बढ़िया होते हुए मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में जबरदस्त कलेक्शन किया था। एंड फर्स्ट वीकेंड के बाद भी मूवी ने कंटिन्यू बेहतर कलेक्शन करते हुए मूवी ने फर्स्ट वीक में भी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया था। हालांकि फर्स्ट वीक के बाद ज्यादातर मूवी कलेक्शन बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इस मूवी ने सेकंड वीक में भी जबरदस्त कलेक्शन किया था, जहां पर थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक एंड सिक्स्थ वीक में भी आउटस्टैंडिंग कलेक्शन किया था। और इस वीक में यानी सेवेंथ वीक में भी मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया है। सेवेंथ वीक को देखते हुए तानाजी मूवी ने सेवेंथ वीक में कलेक्शन किया है 2.61 करोड़, जहां पर काल यानी 15 डे में इस मूवी का कलेक्शन हुआ है जस्ट 15 लाख, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 277.77 करोड़, जो मूवी का बजट 125 करोड़ को देखते हुए ब्लॉकबस्टर हिट कलेक्शन है। जहां पर फ्रेंड्स इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताएं तो मूवी ने अब तक टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया है 366 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी बढ़िया कलेक्शन है। तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। फ्रेंड्स 7th फरवरी 2020 में रिलीज हुआ डायरेक्टर मोहित शुरी एंड लीड रोल आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी एंड अनिल कपूर का मूवी मलंग मूवी ने ओपनिंग डे से ही ठीक ठाक कलेक्शन किया था। ओपनिंग डे के बाद मूवी कलेक्शन और भी बढ़िया होते हुए मूवी ने फर्स्ट वीकेंड एंड फर्स्ट वीकेंड के बाद फर्स्ट वीक में भी ठीक ठाक कलेक्शन किया था, जहां पर सेकंड वीक में मूवी कलेक्शन डिक्रीज हुआ है एंड इस वीक में यानी थर्ड वीक में तो मूवी कलेक्शन और भी ज्यादा डिक्रीज हुआ है। मूवी ने इस वीक में यानी थर्ड वीक में कलेक्शन किया है 4.48 करोड़, और जहां पर काल यानी 22nd डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है जस्ट 21 लाख, जिसके चलते मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 58.25 करोड़, जो मूवी का बजट 40 करोड़ को देखते हुए सेमी हिट कलेक्शन है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, आज और कल इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 20 से 40 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स मलंग मूवी ने अब तक टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया है 79 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी ठीक ठाक कलेक्शन है। तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। फ्रेंड्स प्रीवियस वीक में यानी 21st February 2020 में रिलीज हुआ डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह एंड लीड रोल विकी कौशल, भूमि पडनेकर एंड आशुतोष राणा का मूवी भूत पार्ट ऑन द हंटेड शिप मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस में ओपनिंग डे से ठीक ठाक कलेक्शन किया है। भूत मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है 5.10 करोड़, जहां पर मूवी कलेक्शन ज्यादा इंक्रीज ना होते हुए मूवी ने ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन किया था 16.36 करोड़, एंड मूवी ने इस वीक में यानी फर्स्ट वीक में कलेक्शन किया है 24.18 करोड़। फर्स्ट वीक के बाद मूवी ने सेकंड वीक का शुरुआत में यानी काल यानी 8 डे में कलेक्शन किया है 1.02 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 25.20 करोड़, जो मूवी का 30 करोड़ बजट को देखते हुए बिलो एवरेज कलेक्शन है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, आज और कल इस मूवी का कलेक्शन बढ़िया हो सकते हैं। आज यानी 9th डे में इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, एंड कल यानी 10th डे में हो सकते हैं लगभग 2 से 3 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स आप चलिए जान लेते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स भूत मूवी ने अब तक टोटल ओवरसीज में कलेक्शन किया है जस्ट 3 करोड़, इसके चलते मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हुआ है 33 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी कमजोर कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं इस मूवी के साथ ही रिलीज हुआ शुभ मंगल ज्यादा शाब्दन मूवी का कलेक्शन।
Director Hitesh Kalia and lead role Ayushman Khurana, Jitendra Kumar, Nina Gupta and Gajrat Rao ka movie Shubh Mangal Jada Shabdan movie ne opening day se hi achcha collection kiya hai Indian box office mein. मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया था 9.55 करोड़, जहां पर और भी बढ़िया कलेक्शन करते हुए मूवी ने ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन किया था 32.66 करोड़ एंड मूवी कलेक्शन थोड़ा सा डिक्रीज होते हुए मूवी ने फर्स्ट वीक में कलेक्शन किया है 44.84 करोड़। जहाँ पर फ्रेंड्स काल यानी सेकंड वीक के शुरुआत में भी मूवी ने ठीक ठाक कलेक्शन किया है। मूवी ने काल यानी 8 डे में कलेक्शन किया है 2.08 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 46.92 करोड़, जो मूवी का बजट 45 करोड़ को देखते हुए ऑलरेडी एवरेज कलेक्शन है। और जहाँ पर फ्रेंड्स आज और कल इस मूवी का कलेक्शन बढ़िया हो सकते हैं, आज यानी 9th डे में इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 3 से 4 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, एंड कल यानी 10th डे में हो सकते हैं लगभग 4 से 5 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आप मेरा कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स शुभ मंगल ज्यादा शब्द मूवी ने ओवरसीज में बेहतर कलेक्शन ना करते हुए मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया है 64 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में ठीक ठाक कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। फ्रेंड्स काल यानी 28 फरवरी 2020 में डायरेक्टर अनुभव सिन्हा एंड लीड रोल तब्बसे पन्नू का मूवी तब्बर मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस में रिलीज हुआ है। हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म तब्बर मूवी का कलेक्शन बताने से पहले चलिए देख लेते हैं इस मूवी का रिव्यू बजट एंड स्किल्स के बारे में। फ्रेंड्स बहुत सारे दर्शकों ने इस मूवी को पसंद तो किया है, बट बहुत सारे दर्शक इस मूवी को इग्नोर भी किया है। ऐसे ही बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस मूवी को बढ़िया रिव्यू भी दिया है एंड अदर्स क्रिटिक्स ने इस मूवी को कमजोर रिव्यू भी दिया है। सो क्रिटिक्स ने इस मूवी को लगभग 3 स्टार दिया है 5 में से, जो ठीक ठाक रिव्यू कह सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दे मूवी फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन एक गलत सोच के कारण मूवी का कलेक्शन डिक्रीज हो सकते हैं। डायरेक्टर और राइटर अनुभव सिन्हा का थप्पर मूवी का कलेक्शन डिक्रीज हो सकते हैं एक सोच के कारण, क्योंकि मूवी में दिखाया गया है सिर्फ एक थप्पर के कारण वाइफ ने हस्बैंड को डिवोर्स दे देता है, जो सरासर गलत सोच है, क्योंकि हकीकत में अगर ऐसा होता है तो हर घर में डिवोर्स देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ इसी कारण के लिए पब्लिक इस मूवी को इग्नोर कर रहे हैं एंड आगे भी इस मूवी का कलेक्शन डिक्रीज होगा। जहां पर फ्रेंड्स इस मूवी का बजट के बारे में बताए तो मूवी का बजट है 25 करोड़ एंड खबरें के मुताबिक मूवी को इसके मिला है लगभग 2000। तो आप चलिए देखते हैं इस मूवी का ओपनिंग डे कलेक्शन। फ्रेंड्स तब पर मूवी ने काल यानी ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है 3.07 करोड़, जो बेहतर कलेक्शन नहीं है, लेकिन आज और कल इस मूवी का कलेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकते हैं। आज इस मूवी का कलेक्शन हो सकते हैं लगभग 4 से 5 करोड़ एंड कल हो सकते हैं लगभग 5 से 6 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आप मेरा कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। सो इस वीडियो में आज इतना ही, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने ना भूलिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।